सो गाइस, दिस वीडियो विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम माई प्रीवियस वीडियोज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाबा के ढाबा के ओनर मिस्टर कांता प्रसाद के बारे में। तो जब से उन्होंने अपना एक अलग ही चेहरा दिखाया है लोगों के सामने, उसके बाद से ही मेरे मन में एक चुल पैदा हुई थी कि एक वीडियो तो इस बाबा के लिए बनता ही है, कहीं ये वीडियो बनाने में मैं भूल ना जाऊँ। इसीलिए मैंने अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स में बाबा का डीपी लगा के रखा है, ताकि मैं जब भी भूल जाऊँ तो ये डीपी देख के मुझे याद आए एक वीडियो तो ही डिजर्व्स। तो भाई, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। फेम और डीफेम होने के भीतर एक छोटा सा एक गैप रहता है। जो लोग वो गैप मेंटेन कर पाते हैं वो बहुत आगे जाते हैं, और जिनको समझ नहीं कि कैसे दोनों के बीच में गैप मेंटेन किया जाए, उनका हाल कुछ रानू मंडल और बाबा की तरह ही होता है। अभी तक हमने रानू मंडल को ठीक से भूला भी नहीं था, एक दूसरा आ गया। रानू मंडल तो आपको याद ही होगा, एटीट्यूड। जिस एटीट्यूड की वजह से वो आज वहीं पहुंच गई जहां से उसको उठा के लोगों ने सर पे बिठाया था। तो ऐसा ही कुछ नजारा मुझे बाबा के केस में भी दिखा है। भाई, पैसा कमाना तो बहुत इजी है, पर इज्जत, इट्स नॉट दैट इजी। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले ये छोटा सा क्लिप देख लो। सबसे बड़ी उसकी गलती ये है कि हमने उसे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल ना, हम उसके पास गए, बिल्कुल, तो खुद हमारे पास वीडियो बना। तो बाबा जी का कहना है कि उन्होंने गौरव को नहीं बुलाया, गौरव खुद ही उनके पास आ गया था वीडियो बनाने के लिए। जैसे बाबा बहुत बड़े एक सेलिब्रिटी हैं, लोग उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके पास आ रहे हैं। ये वही बाबा था जो गौरव की वीडियो में गिड़गिड़ा के रो रहा था, वो भी देख लो। बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है। तो भाई, बाबा को रोता हुआ देख गौरव ने वीडियो बना दिया, और जो काम उसने आज तक इतने सारे सालों में नहीं किया था वो इनके लिए कर दिया, फंड रेज, जो कि अभी वो पछता रहा है। एक इस वीडियो पे भी नजर डालिए। हमें सभी कोई 500 रुपया खाना खाए, कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, इस तरह सारा दिन में हमारा चलता रहा है। हमारे 75,000 रुपए इकट्ठा हो गए। तो भाई, जिन बाबा को खाने पीने के वांदे पड़ गए थे उनको दिन का 70,000 मिल रहा है। भाई, ये बड़े बड़े लोगों की सैलरी नहीं होती। पूरा देश है, हैं, अब तक हमें कोई जानता नहीं था, आज हमें पूरा देश सपोर्ट कर रही है। कहाँ बम्बई, कहाँ गुजरात, कहाँ आपका गोवा, हैं, अब हमें कहाँ कहाँ से, कल कहाँ कलकत्ता। भाई, इतना सब मिलने के बाद भी कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? बिना ये जाने, बिना ये पूछे एक बारी भी कि क्या आप गलत है गौरव, आप कम से कम मेरे पास आके पूछो तो सही। अगर मैं गलत होता तो मैं आज आपके सामने क्यों खड़ा होता? अगर मैं आप लोग मुझे स्कैमर बोलते हैं, आप लोग मुझे चोर बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं, कम से कम आप मेरे से पूछे तो सही कि गौरव आपने क्या, आपकी तरफ से क्या बोलना चाहते हैं आप? बहुत आसान होता है किसी को डीफेम करना। तो भाई, बाबा का भी तेवर एटीट्यूड इतना भयंकर हो चुका है कि उन्होंने रानू मंडल को भी दो कदम पीछे छोड़ दिया है। न्यूज रिपोर्टर्स को तो ऐसे अवॉइड कर रहे हैं जैसे दूध में गिरा हुआ मक्खी हो। भाई, बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी ऐसे नहीं कर पाते। चाहते हैं कि आखिर ये जो मामला है, आपने गौरव वसन के ऊपर अब केस कराया है और अभी आप पुलिस स्टेशन में थे, क्या बात हुई आपके अंदर? अब हमने जो उनको करवा दिया है, हैं, अब वही जो करेंगे वही करेंगे। नहीं, आपने क्या रिपोर्ट क्या कही अपनी है? आपने क्या अंदर वहाँ लिखा हुआ, जाकर वहाँ चेक करवाओ। तो भाई, बाबा के केस में हमने ये सीखा कि अगर किसी पे आपको तरस आ रहा हो, किसी को अगर दान देना हो, तो उतना ही करो जितना वो बंदा हजम कर सके। क्योंकि हम सबको पता है, जब इंसान खुद पैसे कमाता है ना, तो उन पैसों की वैल्यू उसको पता रहती है, पर जब फ्री में इतने सारे रुपए किसी को अचानक से मिल जाए तो वो वैल्यू नहीं करता। बाबा और एक रानू मंडल। तो बाबा का कहना है कि गौरव ने जो फंड रेज किए थे उनको कुछ नहीं मिला, सारे पैसे गौरव खा गया। तो भाई, वो खुद भूल रहा है कि जिस बंदे की वजह से उसको इतना पहचान मिला है, आपने उसी के पैसे लेके वकील हायर करके उसी के ऊपर ही केस ठोक दिया। तो भाई, गौरव ने फ्रॉड किया ना किया, वो तो पुलिस केस चल रही है, वो बाहर आ ही जाएगा। पर सोचिए, अगर गौरव ने इसमें कुछ गड़बड़ी ना की हो, इनोसेंट प्रूव हो जाए, तो जो डैमेज हुआ है इमेज गौरव का, तो ये बाबा सही कर पाएगा? जब पूछा गया तो बाबा ने बोला कि मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगा। इस चीज़ के वजह से जो डैमेज होगा ना, वो बहुत भयंकर है। क्योंकि आज के बाद कोई अगर किसी को कुछ हेल्प करने का सोचेगा भी, तो उसके मन में, ध्यान में रानू मंडल और बाबा जैसे लोग आएंगे, तो इनके वजह से कुछ कोई ज़रूरतमंद को हेल्प नहीं कर पाएगा। ये बाबा वैसे पहले से ही ठीक नहीं था, क्योंकि उनका एक बेटी का एक इंटरव्यू भी देखा,
जहाँ पे बेटी बोल रही है एक नंबर का बेवड़ा आदमी था। ये पी करके बच्चों को अनाप शनाप करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, करने की कहेंगे कि तुम भाग जाए, ये भाग जाए, तुम किस लिए हो, मेरे को ये करके दो, मेरी डॉटर है। अब ऐसे अब मेरा घर है तो कौन ऐसा करेगा। यार देखो, गरीबों की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, मानते हैं, लेकिन कभी इतना भी इमोशनल मत बन जाओ कि सारे हेल्प एक ही बंदे को दे दो, क्योंकि आपके घर के आजू बाजू में भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वेंडर्स होंगे, बाबा का ढाबा जैसे बहुत सारे होटल्स होंगे जिनको आप हेल्प कर सकते हो। और जब भी हेल्प करो ना, तो गलती से भी फंड रेज मत करो। अगर आपको वीडियो वायरल करना है करो, लेकिन वहाँ पर लोगों को रिक्वेस्ट करो कि खुद वहाँ आए, उनका सामान खरीदें, या फिर अपने दिल से कुछ अगर देना चाहे तो वहाँ पर उनके हाथ में दे दें, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम भी ना हो। तो हमारे कुछ फेलो यूट्यूबर्स ने भी इस बात को बहुत उछाला और डायरेक्ट गौरव को ही एलिगेशन के सर्कल में डाल दिया और बोला कि वही जिम्मेदार हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इन्होंने एक पहलू देख के बाबा के तरफ ही अपना डिसीजन दे दिया और बोला कि गौरव ने ही फ्रॉड किया है, तो उनको दूसरा पहलू भी चेक करना चाहिए था, तो कुछ हद तक वो लोग भी जिम्मेदार हैं। तो शुरू में वो वीडियो देख के किसी को भी लगेगा शायद बाबा इनोसेंट है और गौरव ने ही सब गलती किया है। तो भाई बाबा का कहना है कि गौरव ने उनका 20-25 लाख खा गए, जबकि गौरव ने डायरेक्ट खुद वीडियो में बोला था कि उसके नहीं बल्कि बाबा के अकाउंट में 20-25 लाख आए हैं, जो कि कुछ लोग समझ नहीं पाए। जब बैंक में खाता सीज हुआ उनका, तो डेफिनेटली 1-2 लाख आने से किसी का खाता सीज नहीं होता, डेफिनेटली नंबर्स बहुत बड़े हैं जिस वजह से उनका खाता सीज हुआ है, तो जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब तक हमें वेट करना है, उससे पहले किसी को भी फॉल्स एलिगेशंस नहीं लगाने। सबसे अजीब बात यह लगी मुझे बाबा की कि जिनको खाने के वांदे पड़ गए थे, उन्होंने अचानक 30 दिन के अंदर इतना कमा लिया कि उन्होंने अपना एक नया शॉप रेंट पर ले लिया, और जिस डीलर ने उनको नया शॉप दिलाया उसके भी पैसे बाबा ने खा गया, उसको अपना कमीशन दिया ही नहीं, जो कि वीडियो वायरल हो रही है। अपने लिए मैनेजर रख लिया, एडवोकेट हायर कर लिया उसी इंसान के खिलाफ केस करने के लिए जिन्होंने इनको बनाया। खैर छोड़िए, रानू मंडल और बाबा के केस के बाद शायद हम इंसानों के अंदर जो एक इमोशनल फैक्टर रहता है उस पर हम काम करेंगे, और ऐसे ही किसी को भी आंख मूंद के डोनेशंस नहीं देंगे, उतना ही देंगे जितना बंदा हजम कर सके। और ऊपर वाले ने जानबूझ के कुछ सोच समझ के ही किसी को गरीब किसी को अमीर बनाया। अगर सोचो, अगर 20-25 लाख आने से एक बंदे का एटीट्यूड इतना चेंज हो सकता है, तो सोचो टाटा बिरला अंबानी जो करोड़ों लाखों कमाते हैं, उनको तो हमें पूजा करना चाहिए। फिर इतना पैसे कमाने के बाद भी बंदे डाउन टू अर्थ रहते हैं। तो भाई जिनको जितना मिला है उतने में खुश रहो, ज़्यादा हीरो बन के किसी को डोनेशन मत दो, क्योंकि पता है वो लोग हजम नहीं कर पाएंगे, वरना एंड में गौरव जैसा ही हाल आपका हो जाएगा, हेल्प करके भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो गाइस ये थोड़ा पॉइंट्स थे, मुझे सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि मेरा दिल हल्का हो जाए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया, और नाउ आई एम रिलैक्स्ड। तो यही था वीडियो, अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर वापस कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। हाँ हेलो बाबा, पाए लगू बाबा। बाबा आपके साथ वीडियो बनाना था, कब आए बोलिए ना।